हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल TechByte में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंप्यूटर ट्रिक्स की। जी हाँ, आज हम जो हम ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो चलिए सीखते हैं टॉप 5 कंप्यूटर ट्रिक्स। फर्स्ट ट्रिक है वो है रीस्टोर ब्राउजर टैब। जी हाँ, कई बार हमारे साथ बाय मिस्टेक हमारी जो ब्राउजर होती है वो बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास एक ब्राउजर है, इस पे मैं कुछ टैब पे काम कर रहा हूँ। अब इस पे मैं काम कर रहा हूँ, बाय मिस्टेक मेरे से ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो मैं इस टैब को जो मेरे से क्लोज हो गया उसको मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करके उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे से दो टैब क्लोज हो गया है, तो कंट्रोल शिफ्ट टी वन टाइम एंड कंट्रोल शिफ्ट टी टू टाइम। तो देख सकते हैं कि दोनों बेर जो ब्राउजर जो टैब थे वो दोनों रिस्टोर हो चुके हैं। अगर मान लीजिए मेरे से पूरा का पूरा ब्राउजर क्लोज हो जाता है, तो इस केस में मैं सिर्फ क्रोम को वन टाइम ओपन करूंगा एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड टी प्रेस कर दूंगा, तो मेरे जो चारों के चारों टैब है वापिस रिस्टोर हो गए। सेकेंड जो ट्रिप है वो है डाउनलोड YouTube वीडियो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। जी हाँ, हम अपने YouTube वीडियो को बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा YouTube खुला हुआ है, यहाँ पे मैं कोई भी एक वीडियो को प्ले करता हूँ। जस्ट प्ले करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये यूट्यूब से पहले, यानी ये जो URL है वीडियो का, इसमें YouTube से पहले जितना भी ऑप्शन है इन सबको आप इरेज कीजिए और यहां पे टाइप कीजिए डबल S, प्रेस एंटर। अब देख सकते हैं हमारे पास एक नया ब्राउजर ओपन हुआ है। अब यहां पे जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को। देखिए ये देखिए वीडियो हमारा डाउनलोड होने लग गया है। अब अगर मान लीजिए कि मैं कोई नया यूट्यूब ओपन करता हूं और यहां से मैं कोई दूसरी वीडियो प्ले करना चाहता हूं, तो जस्ट मैं यहां से क्लिक करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, वीडियो के ऊपर कॉपी वीडियो URL, जस्ट इस ऑप्शन पे वापिस जाएंगे, यहां पे उस URL को पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पे वीडियो जो है चेंज हो गई है। मैं यहां से डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये वीडियो भी डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से बिना किसी थर्ड पार्टी टूल के हम YouTube के वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे ट्रिक की। तीसरा जो ट्रिक है वो है शॉर्टकट की फॉर YouTube वीडियोस। जी हाँ, हम अपने YouTube के वीडियोस को कुछ शॉर्टकट की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले की की। अगर मैं L प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो ये जो वीडियो है 10 सेकेंड फॉरवर्ड होगी। ये देख सकते हैं जो वीडियो है ये फॉरवर्ड हो रही है। अगर मैं कीबोर्ड से K प्रेस करता हूं तो ये जो वीडियो है ये आपकी पॉज हो जाएगी, एंड अगर मैं दोबारा K को प्रेस करता हूं तो ये प्ले हो जाएगी। अगर मैं J प्रेस करता हूं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है वो 10 सेकेंड बैकवर्ड होगी। ये देख सकते हैं, तो J से आप बैकवर्ड जा सकते हैं 10 सेकेंड, L से आप फॉरवर्ड जा सकते हैं 10 सेकेंड, एंड K से आप इसको वीडियो को पॉज एंड प्ले कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने चौथे ट्रिक्स की ओर। चौथा जो ट्रिक्स है वो है हमारा गूगल इनपुट टूल के ऊपर। गूगल इनपुट टूल आपका एक ऐसा टूल है जिसमें आपको हिंदी में आप किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार हमें हिंदी में टाइप करने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस चीज के लिए हमारा जो गूगल टूल है वो काफी हेल्पफुल है। तो हम देखते हैं कि गूगल इनपुट टूल का हम यूज कैसे ले सकते हैं। तो आपको क्रोम पे जाना है, ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल इनपुट। जो पहला लिंक आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से जो लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ हिंदी, और हिंदी में सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जैसे टाइप करता हूँ हाउ टू लर्न कंप्यूटर इन हिंदी। तो देखा आपने
कितना इजी से हम इसको टाइप कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करके हम कहीं पे भी नोटपैड पे या कहीं पे भी आपको जहां पे आपको चाहिए आप वहां पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से हम गूगल इनपुट टूल की मदद से हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हम अपने पांचवे और आखिरी ट्रिक्स की ओर। पांचवा जो ट्रिक है वो काफी मजेदार ट्रिक है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोल्डर लॉक कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कई बार हमारे पास ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम दूसरों से सिक्योर रखना चाहते हैं, तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ई ड्राइव, मेरा यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ई ड्राइव है। ई ड्राइव पे एक मेरा फोल्डर है, मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक फोल्डर बनाया राहुल के नाम से, राइट। राहुल के नाम से बनाने के बाद मैं इस फोल्डर के अंदर आके मैं यहाँ पे एक फाइल, एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ टेस्ट नाम से, और इस फाइल को ओपन करके मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। क्लोज कर दिया मैंने यहाँ से, यहाँ से बैक जाता हूँ। मैं अब राहुल के फोल्डर को ओपन करके देखता हूँ, जी मैं ओपन कर पा रहा हूँ और मैं इस फाइल को भी ओपन कर पा रहा हूँ। तो मैं अब इस फोल्डर को प्रोटेक्ट करूंगा। तो फोल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रन स्टार्ट पे आना है। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है cmd, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करना है आपको, यस करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले उस ड्राइव में आना है जिस ड्राइव में आपका डेटा रखा हुआ है। ये जरूरी है कि जिस ड्राइव में आपका डेटा है वहां पे आपको जाना जरूरी है। तो मेरे केस में ई ड्राइव में था, तो मैं यहाँ पे ई प्रेस करूंगा, शिफ्ट दबा के कॉलन लगाऊंगा, देन प्रेस एंटर। अब देख सकते हैं कि मैं ई ड्राइव में आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी होगी जिससे कि मेरा जो फोल्डर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो कमांड क्या है वो देखते हैं, cacls ये टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस के बाद आपको फोल्डर का नाम टाइप करना है, rahul, मेरे फोल्डर का नाम राहुल था। उसके बाद स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ई टाइप करेंगे, देन फिर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश पी टाइप करेंगे, और उसके बाद स्पेस देख के everyone एवरीवन टाइप करेंगे, और उसके बाद कॉलन लगा के एंड टाइप करेंगे। मतलब यहाँ पे जो मेरा कमांड का मतलब है कि जो मैंने राहुल के फोल्डर को एवरीवन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो एवरीवन को जो परमिशन दे रहा हूँ नो, एंड का मतलब नो, इसमें क्या होगा कि किसी भी यूजर को इस फोल्डर के ऊपर किसी भी तरह की एक्सेस का परमिशन नहीं होगा। तो मैं यहाँ से एंटर मारता हूँ, आप देख सकते हैं प्रोसीड जो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं क्या मैं इस फोल्डर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैं वापस अपने ईडर में हूँ और यहाँ पे राहुल के फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यू डोंट नॉट हैव सफिशियंट परमिशन, यानी आपके पास इस फोल्डर को परमिशन एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। कंटिन्यू करता हूँ, देखिए यू हैव बीन डिनाइड परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, क्लोज कीजिए। अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करना चाहूँ तो देखिए मैं इसको डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपने फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो बात रही हमारी फोल्डर को प्रोटेक्ट करने की, अब फोल्डर को प्रोटेक्ट करने के बाद उसको हम अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे ताकि उसको हम अपने यूज में ले सकें। तो आपको वापस वही कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, जो कमांड हमने टाइप किया था यही दोबारा आप टाइप करेंगे, बट इसमें कुछ चेंजेस करना है। cacls स्पेस, फोल्डर का नाम आपको सही टाइप करना है, स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ई फॉरवर्ड स्लैश पी स्पेस everyone एवरीवन को कॉर्नर लगा के एफ प्रेस करना है। एफ मीन्स फुल परमिशन, जैसे मैं एफ प्रेस करके एंटर मार दूंगा ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। अब मैं देख सकता हूँ जाके कि क्या मैं अपने फोल्डर को एक्सेस कर पाता हूँ। जी हाँ, मैं फोल्डर को अब एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये थी हमारी कुल टॉप 5 कंप्यूटर ट्रिक्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को क्लियर कर सकूं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।